सुप्रभात मित्रों, संत डिवाइन पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 लोट लकार का अभ्यास कार्य नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 3 का हमने 1 और 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। छात्रों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। तो इसमें हमें जो ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी हमें कर्ता पहचानना है कि राइट कर्ता कौन सा है। तो हमें इसके लिए क्रिया पहचाननी होगी पहले कि क्रिया कौन से वचन और पुरुष की है। तो यह लिखतम जो है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता यहाँ होगा युवाम। तो छात्रों, राइट आंसर होगा युवाम, क्योंकि उसका प्रत्यय चिन्ह होता है विसर्ग तम त। तो तम है ये, तो युवाम आएगा इसमें। यह है पाठो इस्मराव। तो इस्मराव को पहचानेंगे। तो इस्मराव जो है यह उत्तम पुरुष द्विवचन का है, और इसमें उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन सा होता है छात्रों? आवाम। तो यह हो जाएगा आवाम पाठो इस्मराव, हम दोनों पाठ याद करें। अगला वाला है गच्छ, और गच्छ जो है यह है गच्छ मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है। तो इसमें मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता त्वम होता है। तो हो जाएगा त्वम पुष्पेभ्यः उद्यानम गच्छ, तुम फूलों के साथ विद्यालय जाओ। तो छात्रों, यह हुई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, अशुद्ध संशोधनम क्रियताम। अशुद्ध संशोधन कीजिए, यानी जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है। बालकः गृहं गच्छन्तु, तो इसके लिए हमें कर्ता पहचानना है कि कर्ता एकवचन का है, किंतु यहाँ क्रिया तो बहुवचन की है, यानी कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन का है और क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की। तो हम क्रिया को भी प्रथम पुरुष एकवचन की ही करेंगे। तो छात्रों, पूरा वाक्य वही आएगा बालकः गृहं, और यहाँ लिख देंगे हम बालकः गृहं और गच्छतु। वृक्षः परोपकाराय भवत, वृक्ष परोपकार के लिए हो। तो यहाँ पे होए, तो ये वृक्षः बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होना चाहिए। तो छात्रों, सिर्फ आगे का वैसा ही लिखे, सिर्फ मैं क्रिया लिख देती हूँ आपको। तो यहाँ हो जाएगा भवन्तु, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वृक्षः परोपकाराय भवन्तु। यूयम पाठम पठतु, अब यूयम तो है मध्यम पुरुष बहुवचन का, और तू जो है प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया, तो हमें यूयम के अनुसार लगाना होगा। तो यूयम के अनुसार होगा पठत। तो छात्रों, पूरा सेंटेंस वही लिखकर आप सिर्फ पठत को चेंज कर दें, पठत, तुम सब पाठ पढ़ो। छात्रः प्रश्नम पृच्छत, तो ये छात्र जो है प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो हम प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया लगाएंगे और उसमें होता है तू, तो यहाँ हो जाएगा पठतु, सॉरी पृच्छतु, पृच्छ धातु है इसलिए पृच्छ लगाएंगे, पृच्छतु। कि छात्र प्रश्न पूछो, यानी छात्र प्रश्न पूछो। भक्तः ईश्वरं भजनम, तो भक्तः प्रथम पुरुष, तो यहाँ पे भी वही आएगा भजतु, भजो। तो वाक्य हो जाएगा है भक्तः ईश्वरं भजतु, भक्त ईश्वर को भजो या भजें। ते गीतम गायताम, और ते ये बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन पुल्लिंग का करता है, तो हम यहाँ पे गायन्तु करेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया करेंगे, तो यह हो जाएगा गायन्तु। युवाम भोजनाय गच्छा, युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, यह मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया नहीं है, तो इसमें आता है तम, तो यह हो जाएगा गच्छतम। और वयम उच्चैर्ण हसत, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है, परंतु यह उत्तम पुरुष बहुवचन की नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन की
क्रिया तो बन जाएगा गच्छाम। तो छात्रों हमें याद रखना है, यदि हमें क्रियाविल करनी होती है तो हमको कर्ता पहचानना होता है कि कर्ता कौन से वचन और पुरुष का है, तो हम क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की लगाते हैं। तो छात्रों यह थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। अब यह एक्सरसाइज नंबर 5। निम्न वाक्यानाम वचनम निर्देशानुसारम परिवर्त्य लिखत। निम्न वाक्यों की वचन निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। अब हमें इनके वचन बदलना है और वचन हमें जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसका वाक्य का वचन बनाना है। तो छात्रों सिर्फ हमें इसमें भी क्रिया ही चेंज करना होती है। तो ये बहुवचन की क्रिया है तो हमें इसको एक वचन में कर देंगे तो ये बन जाएगा पश्यतु। छात्रों हमें सेंटेंस पूरा लिखना है, सिर्फ मैं आपको क्रिया चेंज कर रही हूँ, यानी ऐसा लिखेंगे आप जनाः चित्राणि। एक्सरसाइज 5 का पहला पुनः करवा रही हूँ मैं कि इसमें आपका है एक वचन में बदलना था, सिर्फ मैंने क्रिया बदली थी जबकि हमें पूरा ही सेंटेंस बदलना है, क्योंकि जनाः जो है यह बहुवचन का है तो इसका बन जाएगा जनाः। चित्राणि बहुवचन का है, चित्रम एक वचन का हो जाएगा, और पश्यन्तु भी बहुवचन का तो पश्यतु हो जाएगा एक वचन का। इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस बहुवचन का है तो हमें पूरे ही सेंटेंस को एक वचन का बनाना है। जनाः चित्रम पश्यतु, यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है बहुवचने, बहुवचन में बनाना है तो श्लोकान पढ़ताम, ये द्विवचन का है तो हमें इसको बहुवचन में, तो ये प्रथम पुरुष का सेंटेंस है, प्रथम पुरुष का कर्ता है तो हमें प्रथम पुरुष का जो कर्ता द्विवचन का है उसको हम प्रथम पुरुष के बहुवचन में बदलेंगे तो बन जाएगा ते श्लोकाः और पठन्तु हो जाएगा। बहुवचन की क्रिया प्रथम पुरुष में पठन्तु होती है तो ते श्लोकाः पठन्तु। द्विवचने द्विवचन में बदलना है और हमारा जो यह है यह एक वचन का है तो धनिकः एक वचन का ही कर दिया हमने इसको धनिके, निर्धनेभ्यः तो निर्धनाभ्याम, धनम धनम का धनम ही रहेगा, और यच्छतु तो यच्छताम कर दिया हमने। अब ही हमें अगला वाला सेंटेंस बहुवचन में बदलना है और यह जो है हमारा एक वचन का है तो छात्र है एक वचन का था, हमने छात्राः कर दिया, विद्यालयम का विद्यालय ही होता है क्योंकि छात्र विद्यालय को, गच्छतु एक वचन का है तो हमने कर दिया इसको बहुवचन की क्रिया गच्छन्तु। अंतिम प्रश्न है यूयम नगरात गच्छ, तुम नगर से जाओ, जिसे बदलना है हमें एक वचन में तो बनेगा हमारा वाक्य त्वम नगरात गच्छ, तुम नगर से जाओ। तो छात्रों यह था हमारा चैप्टर नंबर 3, अभ्यास नंबर 3, 4 एंड 5। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें।